Hey friends, how are you? I'm Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, aaj banate hain no oven, no tandoor ki eggless bread. Ji haan, aapki breakfast bread jo aap naashte mein kha sakte hain, ye hai eggless. Isme aapko na to microwave ki zarurat hai, na tandoor ki. Hum banayenge ise gas pe ek naye tarike ki bread. To aaiye dekhiye kaise banate hain. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. Friends, bread banane ke liye hum ek bowl mein lenge 2 cup maida. आप चाहें तो 2 कप वीट फ्लावर भी ले सकते हैं. मैंने 1 कप मैदा और 1 कप वीट फ्लावर मैंने लिया है. आप चाहें तो 2 कप वीट फ्लावर लें. अब इसमें सेंटर में होल बना के हम डालेंगे 1.5 चम्मच ड्राई एक्टिव ईस्ट, आधा कप गरम पानी, 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. एक सॉफ्ट आटा हमें लगाना है. चार से पांच चम्मच दूध भी डाल देंगे और हम एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे गरम पानी जो हमारे पास था उसकी मदद से. हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, आटा बहुत सॉफ्ट लगना चाहिए. ये ब्रेड मैदे में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप आटे से बनाइए या फिर आप आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं. इसे हमें बहुत अच्छे से नीट करना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है. थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट. ये देखिए, ये नीड हो गया है. अब हम इसे रख देंगे करीब 1.5 घंटे के लिए ढक के. 1.5 घंटा हो गया है, ये आटा भी फूल चुका है. अब ब्रेड बनाते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसे बेल लेते हैं. हमें इसे ज्यादा मोटा नहीं बेलना है. इवनली बेल लेते हैं क्योंकि फिर हम इन्हें कटर से काटेंगे. ये देखिए, आप किसी भी कुकी कटर से या कैसे भी शेप्स दे सकते हैं. मैंने ये राउंड शेप्स लिए हैं. ये देखिए, मैं ये राउंड पफ की शेप्स में इन्हें काट लेती हूँ. चिवे आटे का मैं और ब्रेड बना लेती हूँ और इसे एक प्लेट पे लगा देते हैं हम. आप बेकिंग शीट्स में ही लगाएं वरना ये चिपक जाएगा. और इसे हमें रखना है करीब 1 से 1.5 घंटे और. इसी तरह से हम बाकी आटे की भी ब्रेड्स बना लेते हैं और उन्हें भी 1 से 1.5 घंटे हम रख लेते हैं. ये मैंने सारी ब्रेड बेल ली हैं. अब इन्हें 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद हम बेक करेंगे. इस कढ़ाई में हम इन ब्रेड्स को डाल देते हैं, ऊपर लिड लगा देते हैं और अब हम इसे गैस पे बेक करेंगे. इसे गैस पे रख दीजिए 5 मिनट के लिए लिड लगा के. 5 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें पलट दीजिए और फिर सिम गैस पे 5 मिनट के लिए लिड लगा के रख दीजिए. ये देखिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ब्रेड सिक गई हैं. अब इन्हें निकाल दीजिए और बाकी ब्रेड भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं. ये
देखिए देखिए हमने सारी ब्रेड बना ली है, देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड्स बनी है। आप इन ब्रेड को खाइए भाजी के साथ, सालसा के साथ, डिप के साथ, बटर के साथ, या फिर बच्चों को ये होममेड ब्रेड खिलाइए सुबह जैम और नाश्ते में। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए आपको मेरी ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी।